आदरणीय सभापति जी, आज हम सब सदन के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री वेंकैया नायडू जी को उनके कार्यकाल की समाप्ति पर उन्हें धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये इस सदन के लिए बहुत ही भावुक पल है। सदन के कितने ही ऐतिहासिक पल आपकी गरिमामय उपस्थिति से जुड़े हुए हैं, फिर भी अनेक बार आप कहते रहे हैं, आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स बट नॉट टायर्ड फ्रॉम पब्लिक लाइफ। और इसलिए इस सदन को नेतृत्व देने की आपकी जिम्मेदारी भले ही पूरी हो रही हो, लेकिन आपके अनुभवों का लाभ भविष्य में सुदीर्घ काल तक देश को मिलता रहेगा। हम जैसे अनेक सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ताओं को भी मिलता रहेगा। आदरणीय सभापति महोदय, आज़ादी के अमृत महोत्सव में आज जब देश अपने अगले 25 वर्षों की नई यात्रा शुरू कर रहा है, तब देश का नेतृत्व भी एक तरह से एक नए युग के हाथों में है। हम सब जानते हैं कि इस बार हम एक ऐसी 15 अगस्त मना रहे हैं जब देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री सबके सब वो लोग हैं जो आजाद भारत में पैदा हुए हैं। और सबके सब बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। मैं समझता हूं उसका अपना एक सांकेतिक महत्व है, साथ में देश के नए युग का एक प्रतीक भी है। आदरणीय सभापति महोदय, आप तो देश के एक ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिसने अपनी सभी भूमिकाओं में हमेशा युवाओं के लिए काम किया है। आपने सदन में भी हमेशा युवा सांसदों को आगे बढ़ाया, उन्हें प्रोत्साहन दिया। आप लगातार युवाओं के संवाद के लिए यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस लगातार जाते रहे हैं। नई पीढ़ी के साथ आपका एक निरंतर कनेक्ट बना हुआ है और युवाओं को आपका मार्गदर्शन भी मिला है और युवा भी आपको मिलने के लिए हमेशा उत्सुक रहे हैं। इन सभी संस्थानों में आपकी लोकप्रियता भी बहुत रही है। मुझे बताया गया कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में आपने सदन के बाहर जो भाषण दिए उनमें करीब करीब 25% युवाओं के बीच में रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आदरणीय सभापति महोदय, व्यक्तिगत रूप से मेरा यह सौभाग्य रहा है कि मैंने बड़े निकट से आपको अलग अलग भूमिकाओं में देखा है। बहुत सारी आपकी भूमिकाएं ऐसी भी रही जिसमें आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने का भी मुझे सौभाग्य मिला है। पार्टी कार्यकर्ता के रूप में
आपकी वैचारिक प्रतिबद्धता रही हो, एक विधायक के रूप में आपका कामकाज हो, सांसद के रूप में सदन में आपकी सक्रियता हो, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में आपका सांगठनिक कौशल्य और लीडरशिप की बात हो, कैबिनेट मंत्री के रूप में आपकी मेहनत, नवाचार का आपका प्रयास और उससे प्राप्त सफलताएं देश के लिए बहुत उपकारक रही है, या फिर उपराष्ट्रपति और सदन में के सभापति के रूप में आपकी गरिमा और आपकी निष्ठा। मैंने आपको अलग अलग जिम्मेदारियों में बड़े लगन से काम करते हुए देखा है। आपने कभी भी किसी भी काम को बोझ नहीं माना, आपने हर काम में नए प्राण फूंकने का प्रयास किया है। आपका जज्बा, आपकी लगन हम लोगों ने निरंतर देखी है। मैं इस सदन के जरिए प्रत्येक माननीय सांसद और देश के हर युवा से कहना चाहूंगा कि वो समाज, देश और लोकतंत्र के बारे में आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। लिसनिंग, लर्निंग, लीडिंग, कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग और रिफ्लेक्टिंग, रिकनेक्टिंग जैसी किताबें आपके बारे में बहुत कुछ बताती हैं। आपके ये अनुभव हमारे युवाओं को गाइड करेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी किताबों का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि उनके टाइटल में आपकी वो शब्द प्रतिभा झलकती है जिसके लिए आप जाने जाते हैं। आपके वन लाइनर्स वीट लाइनर्स होते हैं और विन लाइनर्स भी होते हैं। यानी उसके बाद कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं रह जाती। योर ईच वर्ड इज हर्ड, प्रिफर्ड एंड रिवर्ड एंड नेवर काउंटर्ड। कैसे कोई अपनी भाषा की ताकत के रूप में और सहजता से इस सामर्थ्य के लिए जाना जाए और उस कौशल से स्थितियों को दिशा मोड़ने का सामर्थ्य रखे। सचमुच में आपके इस सामर्थ्य को मैं बधाई देता हूं। साथियों, हम जो भी कहते हैं वो महत्वपूर्ण तो होता ही है, लेकिन जिस तरीके से कहते हैं उसकी अहमियत ज्यादा होती है। किसी भी संवाद की सफलता का पैमाना यही है कि उसका गहरा इंपैक्ट हो, लोग उसे याद रखें और जो भी कहें उसके बारे में लोग सोचने के लिए मजबूर हो। अभिव्यक्ति की इस कला में वेंकैया जी की दक्षता, उस बात से हम सदन में भी और सदन के बाहर देश के सभी लोग भली भांति परिचित हैं। आपकी अभिव्यक्ति का अंदाज जितना बेबाक है उतना ही बेजोड़ भी है।
आपकी बातों में गहराई भी होती है, गंभीरता भी होती है, वाणी में वीट भी होता है और वेट भी होता है, वॉन्थ भी होता है और विजडम भी होता है। संवाद का आपका तरीका ऐसे ही किसी बात के मर्म को छू जाता है और सुनने में मधुर भी लगता है। आदरणीय सभापति महोदय, अपने दक्षिण में छात्र राजनीति करते हुए अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। तब लोग कहते थे कि जिस विचारधारा से आप जुड़े थे उसका और उस पार्टी का निकट भविष्य में तो दक्षिण में कोई सामर्थ्य नजर नहीं आता है, लेकिन आप एक सामान्य विद्यार्थी कार्यकर्ता से यात्रा शुरू करके और दक्षिण भारत से आते हुए उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के शीर्ष पद तक पहुंचे, ये आपकी एक अविरत विचार निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा और कर्म के प्रति समर्पण भाव का प्रतीक है। अगर हमारे पास देश के लिए भावनाएं हो, बात कहने की कला हो, भाषाई विविधता में आस्था हो, तो भाषा क्षेत्र हमारे लिए कभी भी दीवार नहीं बनती है, ये आपने सिद्ध किया है। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी कही एक बात बहुत लोगों को याद होगी, मुझे तो विशेष रूप से याद है। मैंने हमेशा सुना है आप मातृभाषा को लेकर के बहुत ही टची रहे हैं, बड़े आग्रही रहे हैं, लेकिन उस बात को कहने का आपका अंदाज भी बड़ा खूबसूरत है। जब आप कहते हैं कि मातृभाषा आंखों की रोशनी की तरह होती है, मातृभाषा आंखों की रोशनी की तरह होती है, और आप आगे कहते हैं और दूसरी भाषा चश्मे की तरह होती है, ऐसी भावना हृदय की गहराई से ही बाहर आती है। वेंकैया जी की मौजूदगी में सदन की कार्रवाई के दौरान हर भारतीय भाषा को विशिष्ट अहमियत दी गई है। आपने सदन में सभी भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। सदन में हमारी सभी 22 शेड्यूल लैंग्वेज में कोई भी माननीय सदस्य बोल सकता है, उसका इंतजाम आपने किया। आपकी ये प्रतिभा, आपकी ये निष्ठा आगे भी सदन के लिए एक गाइड के रूप में हमेशा हमेशा काम करेगी। कैसे संसदीय और शिष्ट तरीके से भाषा की मर्यादा में कोई भी अपनी बात प्रभावी ढंग से कह सकता है, इसके लिए आप प्रेरणा पुंज बने रहेंगे। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी नेतृत्व क्षमता, आपके अनुशासन ने इस सदन की प्रतिबद्धता और प्रोडक्टिविटी को नई ऊंचाई दी है। आपके कार्यकाल के वर्षों में राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 70% बढ़ी है, सदन में सदस्यों की उपस्थिति बढ़ी है। इस दौरान करीब करीब 177 बिल पास हुए या उन पर चर्चा हुई, जो अपने आप में कीर्तिमान है। आपके मार्गदर्शन में ऐसे कितने ही कानून बने हैं जो आधुनिक भारत की संकल्पना को साकार कर रहे हैं। आपने कितने ही ऐसे निर्णय लिए हैं जो अपर हाउस की अपवर्ड जर्नी के लिए
याद किए जाएंगे। सचिवालय के काम में और अधिक एफिशिएंसी लाने के लिए भी आपने एक समिति का भी गठन किया। इसी तरह राज्यसभा सचिवालय को सुव्यवस्थित करना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, पेपरलेस काम के लिए ई ऑफिस सिस्टम को लागू करना, आपके ऐसे कितने ही काम हैं जिनके जरिए उच्च सदन को एक नई ऊंचाई मिली है। आदरणीय सभापति महोदय, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, नसा सभा यत्र न संति वृद्धा नते ये न वदन्ति धर्मम, अर्थात जिस सभा में अनुभवी लोग होते हैं वही सभा होती है, और अनुभव लोग वही है जो धर्म यानी कर्तव्य की सीख दें। आपने मार्गदर्शन में राज्यसभा ने इन मानकों को पूरी गुणवत्ता से पूरा किया है। आप माननीय सदस्यों को निर्देश भी देते थे और उन्हें अपने अनुभवों का लाभ भी देते थे, और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए प्यार से डांटते भी थे। मुझे विश्वास है कि किसी भी सदस्य ने आपके किसी भी शब्द को कभी अन्यथा नहीं लिया। ये पूंजी तब पैदा होती है जब व्यक्तिगत जीवन में आप उन आदर्शों और मानकों का पालन करते हैं। आपने हमेशा इस बात पर बल दिया कि संसद में व्यवधान एक सीमा के बाद सदन की अवमानना के बराबर होता है। मैं आपके इन मानकों में लोकतंत्र की परिपक्वता को देखता हूं। पहले समझा जाता था कि अगर सदन में चर्चा के दौरान शोरगुल होने लगे तो कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है, लेकिन आपने संवाद, संपर्क और समन्वय के जरिए न सिर्फ सदन को संचालित किया बल्कि उसे प्रोडक्टिव भी बनाया। सदन की कार्यवाही के दौरान जब सदस्यों के बीच कभी टकराव की परिस्थिति पैदा होती थी तो आपसे बार बार सुनने को मिलता था, लेट द गवर्नमेंट प्रपोज, लेट द ऑपोजिशन अपोज एंड लेट द हाउस डिस्पोज। इस सदन को दूसरे सदन से आए विधेयकों पर निश्चित रूप से सहमति या असहमति का अधिकार है। यह सदन उन्हें पास कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है या अमेंड कर सकता है।